वहां लंका में राक्षसों के बीच था, फिर भी अकेला था। यहां वानरों के मध्य हूं, फिर भी प्रतीत होता है कि अपनों के बीच हूं। आपकी दया का पात्र बनकर मैं कृतार्थ हुआ प्रभु। आज मैं शपथ लेता हूं, जो राक्षस अधर्म के साथ है उनका वध करने में और माता सीता को मुक्त कराने में मैं आपका साथ दूंगा। महाराज विभीषण, इस सागर को पार कर लंका के उस ओर जाने का कोई मार्ग सुझाइए। महाराज, सागर पार करने के सिवाय लंका पहुंचने का कोई और गुप्त मार्ग भी है क्या? दुर्भाग्यवश लंका जाने का कोई गुप्त मार्ग नहीं। सर्वप्रथम तो वे वानर लंका में प्रवेश ही नहीं कर सकेंगे, और यदि वे प्रवेश कर भी गए तो कदापि मेरे अस्त्रों के सामने नहीं टिक सकेंगे, कदापि नहीं। ये ध्वनि कैसी? प्रणाम पिताश्री, क्षमा चाहता हूं, मुझे लगा कोई शत्रु है। क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पुत्र, मैं तुम्हारी सतर्कता देख अत्यंत प्रसन्न हूं। परंतु आप यहां? अनेक चिंताओं से घिरा मेरा हृदय अत्यंत व्याकुल था मेरे पुत्र, इसलिए सोचा कि तुमसे मिल लूं। पिताश्री, अगर ऐसी बात थी तो आप मुझे बुला लेते, परंतु पिताश्री आप इतने चिंतित क्यों हैं? चिंता तो है पुत्र, कहीं विभीषण का कथन सत्य ना हो। क्या आपको ज्ञात नहीं कि उस वानर ने क्या चेतावनी दी थी? सब मारे जाएंगे, सभी औरतें विधवा हो जाएंगी, सभी बच्चे अनाथ हो जाएंगे। कहीं सीता को लौटाकर उस वनवासी नर के समक्ष समर्पण ही उचित तो नहीं? तुम्हारी माता का भी यही कथन है, यदि मैंने पराजय स्वीकार नहीं की तो अंत में अकेला रह जाऊंगा मैं। पुत्र, कहीं मैं सच में सभी को ना खो बैठूं। ये चिंता लंकेश रावण को शोभा नहीं देती पिताश्री, काकाश्री के कायरतापूर्ण कथन पे आपको ध्यान नहीं देना चाहिए। हम अत्यंत शक्तिशाली हैं, बलशाली हैं, उन दोनों नर और वानर का संहार करने में भली भांति सक्षम है। हम सीता को कदापि नहीं सौंपेंगे पिताश्री। वो युद्ध चाहते हैं तो हम युद्ध करेंगे, उनकी संपूर्ण सेना को धूल धूसरित करके रख देंगे हम। तो फिर हम लंका कैसे पहुंचेंगे? रावण की सेना से युद्ध करके माता सीता को कैसे लेकर आएंगे? एक सुझाव है मेरे पास। प्रभु श्री राम के पूर्वज महाराज सागर ही सागर की उत्पत्ति का कारण थे, इसलिए यदि स्वयं प्रभु समुद्र से मार्ग देने का अनुरोध करें तो कृतज्ञतावश ये स्वयं उन्हें और वानर सेना को मार्ग दे देंगे। विस्तार से बताइए महाराज विभीषण, महाराज सागर के कारण सागर का जन्म कैसे हुआ? बहुत समय पूर्व महाराज सागर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ के मध्य में देवराज इंद्र ने उनका अश्व चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में छुपा दिया।
तब महाप्रतापी महाराज सगर ने समस्त दिशाओं में अपने 60 सहस्त्र पुत्रों को उस अश्व को ढूंढने के लिए भेजा। जब उन सगर पुत्रों को पृथ्वी पर कहीं भी वो अश्व नहीं मिला, तब उन्होंने उस अश्व को ढूंढने के लिए पृथ्वी से पाताल तक खनन प्रारंभ कर दिया। उस समय जो विशाल गड्ढे बने, उन्हीं में बाद में जल भर गया। इस प्रकार आपके पूर्वज सगर पुत्रों के श्रम से ही सागर का जन्म हुआ। इसलिए कृतज्ञ सागर आपके आदेश का मान रखकर आपको लंका जाने का मार्ग अवश्य देंगे। यदि वो वानर सेना लंका में प्रवेश कर भी गई, तब भी विजय हमें ही प्राप्त होगी। इंद्र को जीता है मैंने, देवताओं को धूल चटाई है, ब्रह्मा से ब्रह्मास्त्र प्राप्त किया है मैंने। आपका ये पराक्रमी पुत्र अकेले ही उस वानर सेना को परास्त करने की क्षमता रखता है। परंतु पुत्र, उस वानर को पराजित नहीं कर पाए थे तुम, स्वयं पकड़े जाने का स्वांग दिया था, तुमने नहीं पकड़ा था। यहाँ तक कि तुम्हारा ब्रह्मास्त्र भी उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाया। प्रतीत होता है कि आपका अपने पुत्र के पराक्रम से विश्वास उठ गया है पिताश्री। यदि ऐसा है तो मेरा जीवन व्यर्थ है। आपके निराश होने से पूर्व मैं अपने जीवन का अंत कर लूंगा। मुझे अनुचित मत समझो, स्वयं को लेकर चिंतित नहीं हूं मैं, सदा तुम्हारी विजय चाहता हूं। परंतु चिंतित हूं मैं, इस समय तुम उस गर और वानर का सामना करने में सक्षम नहीं हो पुत्र। आप चिंतित मत होइए पिताश्री, मैं अपनी इष्ट देवी माता निकुमला देवी से प्रार्थना कर इस युद्ध में विजय प्राप्ति के लिए माता का मार्गदर्शन लूंगा। पिताश्री, अमरत्व के समान कोई वरदान मांग लूंगा। मुझे आशीष दीजिए पिताश्री कि मैं इस प्रार्थना में सफल हूं। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। लंकेश, तुमने मेघनाथ को उकसाने का लक्ष्य किया है। हम सागर से सहायता लेकर अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं, परंतु वो तो मेरे पूज्य हैं। मैं उन्हें आदेश देने की गृष्टता नहीं कर सकता। सविनय प्रार्थना करूंगा उनसे। प्रभु, इसके लिए सागर तट पर हनुमान समुचित व्यवस्था कर देगा। यदि सागर से अनुमति पाकर ये सभी उस पार जाने में सफल हो गए, तो लंकेश रावण हमारे प्राण हम में से निकालकर हमें उस पार मृत्यु लोक में भेज देंगे। शीघ्र ही कुछ करना होगा हमें। हे महाविशाल समुद्र देव, मैं सगर वंशज दशरथ पुत्र राम आपकी शरण में आया हूं। मेरे पूर्वज महाराज सगर के द्वारा आपकी उत्पत्ति हुई। आज उन्हीं सगर का रघुकुल विपत्ति में है, जिससे हमें आप ही उबार सकते हैं। हमें अपने जल के मध्य से लंका जाने का मार्ग देने की कृपा करें। आपको प्रसन्न करने के लिए मैं अभी इसी क्षण से अन्न और जल का परित्याग कर आपके द्वारा मेरी प्रार्थना स्वीकार करने तक मैं यहीं स्थित रहूंगा। मेरी याचना स्वीकार कीजिए हे रत्नाकर।
विच्चे ओम ग्लौं हुं क्लीं जूं सः ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा। हे माता निकुम्बला, आपने सदैव मेरी प्रार्थना से प्रसन्न होकर मुझे दर्शन दिए हैं। आज भी आपका भक्त आपके दर्शन पाने हेतु अन्न जल त्याग कर निरंतर आपकी अर्चना करता रहेगा। सुग्रीव इस वानर से दूर चले जाए और एकांत में मिल जाए तो मैं अवश्य अपना प्रभाव दिखा सकूंगा। हाँ, ऐसे में जब प्रभु अत्यंत महत्वपूर्ण उपासना में रहते हैं, असुरी शक्तियां शांत नहीं बैठेंगी, वो अवश्य ही कोई व्यवधान डालने का प्रयास करेंगी। असुरी शक्तियां कुछ भी कर लें, परंतु हनुमान भी अपनी विशाल सेना के साथ चहुं दिशाओं में प्रभु की सुरक्षा की व्यवस्था कर देगा। जय श्री राम। पंचरूपी हनुमान ने पांचों दिशाओं से प्रभु और उनकी आराधना को सुरक्षित कर दिया है। इस अभेद्य सुरक्षा को भेदने का प्रयास करने का साहस कोई भी राक्षस नहीं जुटा पाएगा, परंतु फिर भी मैं अपनी सेना को सचेत कर देता हूँ। ये दुष्ट मायावी वानर तो हमारे मार्ग में कठिनाइयां ही कठिनाइयां उत्पन्न कर रहा है। देखा, मिल गया अवसर। वानर आज सुग्रीव एकाकी ही इस मायावी से दूर जा रहे हैं, अब मिलेगा सुख सुख को। महाराज महाराज महाराज, बोलो सैनिको। संकट में डाल रहे हैं आप, तो कहिए वानरराज, अब क्या करेंगे आप? मैं उस वनवासी राम का साथ नहीं दूंगा। जय लंकेश, जय लंकेश।
अकस्मात क्या हो गया महाराज सुग्रीव को? ये महाराज सुग्रीव संपूर्ण वानर सेना को क्यों एकत्रित कर रहे हैं? बहुत हुआ, बहुत कष्ट झेल चुके हम। अपने सुखों का त्याग कर अपने परिवार से इतने दूर क्यों रहे हम? क्यों किसी दूसरे के कार्य को पूर्ण करने के लिए अपना समय और शक्ति व्यर्थ गंवाए? और वैसे भी नर और वानर का कहां कोई मेल है? इनके कार्यों को पूर्ण करने के लिए क्यों हम अपने प्राणों की आहुति दें? विश्वास नहीं होता सुग्रीव ऐसे शब्द बोल भी कैसे सकते हैं। असंभव, ये महाराज सुग्रीव के शब्द नहीं हो सकते। वानर राज होने के नाते मैं अपनी संपूर्ण सेना को किष्किंधा लौटने का आदेश देता हूं। महाराज सुग्रीव, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूं ऋषिराज जामन जी, जो आपने सुना है। मेरा सुझाव है आप भी मेरे साथ लौट चलिए। महाराज, अग्नि की शपथ लेकर प्रभु श्री राम का साथ देने का प्रण लिया है आपने, उसे कैसे भुला सकते हैं आप? अपनी शपथ ही भूले हैं महाराज सुग्रीव, या ये भी भूल गए कि आपके अग्रज वाली का वध कर प्रभु श्री राम ने ही आपके प्राणों की रक्षा की थी और आपको महाराज की उपाधि दिलवाई थी। कृतज्ञ नहीं हूं मैं। हाँ। स्मरण है मुझे, किंतु मैं अपने सारे ऋण उतार चुका हूं। इस विशाल सागर को पार करने के लिए मैं अपने एक भी वानर के प्राण संकट में नहीं पड़ने दूंगा। ये तो महाराज सुग्रीव नहीं, कोई और ही है। मैं तुम सबको पुनः और अंतिम बार आदेश दे रहा हूं, पीछे मुड़ो और लौट चलो यहां से। हाँ बंधु, चलो हमें लौटना होगा। महाराज का आदेश है, चलो। महाराज सुग्रीव, ये आप ही कह रहे हैं, विश्वास नहीं होता। चलो। रुकिए वानर मित्रों, रुकिए, आप सब ऐसे मत जाइए, रुकिए। लंकेश रावण के प्रकोप से बचो। ये अवश्य रावण की ही कोई चाल है। यदि महाराज सुग्रीव ने यहां से प्रस्थान किया तो मुझे कुछ तो करना होगा, किंतु यहां से जा भी तो नहीं सकता मैं। क्या करूं मैं? चलो। यदि कोई अपना अचानक विपरीत व्यवहार करने लगे तो उस पर अविश्वास करने की अपेक्षा सत्य क्या है, वो जानने की कोशिश करनी चाहिए।